पैसे की कमी होने के कारण इंडियन नेवी अपने नए बेसिस और प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मुश्किल महसूस कर रही है। इंडियन नेवी इसी कारण अपने फ्रंट लाइन फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को चेन्नई के एक प्राइवेट शिपयार्ड में डिप्लॉय करने वाली है, क्योंकि उसका विशाखापट्टनम का प्लैंड बेस अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इंडियन नेवी लार्सन एंड टूब्रो के शिपयार्ड के 260 मीटर बर्थ को लीज पर लेने का प्लान कर रही है। ये लीज 8 साल की होगी, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को बर्थ किया जाएगा। ये केस इंडियन नेवी ने डिफेंस मिनिस्ट्री के पास उठाया है। इस शिपयार्ड को लीज करने के लिए इंडियन नेवी हर साल 30.48 करोड़ पे करेगी। इसके एडिशन में 48 करोड़ रिफंडेबल डिपॉजिट के तौर पर शिपयार्ड कंपनी को दिए जाएंगे। ये शिप प्राइवेट शिपयार्ड में इसलिए डिप्लॉय करनी पड़ी है क्योंकि नए सबमरीन और वारशिप बेस, जिसे कि आईएनएस वर्षा कहा जाता है, जो कि विशाखापट्टनम पर बन रहा था, उसकी बनाने की प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, जिसके कारण इंडियन नेवी को अब एक प्राइवेट शिपयार्ड को लीज पर लेना पड़ रहा है। इंडियन नेवी तकरीबन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करना चाहती है, ताकि वो अपने वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट पर वास्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और मैरिटाइम बाउंड्रीज को पेट्रोल कर सके। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी ने इंडियन नेवी के डिफेंस बजट में हर साल कम हो रहे शेयर को भी डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि इंडियन नेवी की फाइटिंग कैपेबिलिटीज ना सिर्फ उनके हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन इसके साथ ही जो बजट इंडियन नेवी को मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, जो कि हर साल कम होता जा रहा है। स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि उन्होंने मिनिस्ट्री को रिकमेंड किया है कि वो किसी भी फोर्स का बजट कम ना करें। वहीं जहां इंडिजनस बेस होने की कमी के कारण इंडियन नेवी को प्राइवेट शिपयार्ड लीज पर लेना पड़ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ डिफेंस PSU'S ये कह रहे हैं कि उनके पास ऑर्डर्स की कमी है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनीज का कहना है कि उनके पास ऑर्डर्स की कमी है और वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटीज को ऑर्डर्स के कम होने के कारण पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तकरीबन 5 डिफेंस PSU'S और 4 शिपयार्ड्स ने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि उन्हें ऑर्डर्स की कमी के कारण उनकी फैसिलिटीज और मैन पावर अगले कुछ सालों तक आइडल रहने वाली है, क्योंकि उनके पास नए ऑर्डर्स नहीं हैं। इसके साथ ही जैसा आपको पहले भी बताया गया है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को डिफेंस बजट की कमी के कारण बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं, और उसी का असर अब डिफेंस PSU'S और शिपयार्ड्स के ऊपर भी होने लग रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बहुत सारे एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके पास भी 59,832 करोड़ की ऑर्डर बुक है। वो भी इंडियन एयरफोर्स को कह रही है कि उसके पास अभी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं हैं। HAL ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा है कि उसके पास 83 तेजस मार्क 1A जेट्स और 12 सुकोई 30 MKI और 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑर्डर होने के बावजूद HAL अपनी एस्टेब्लिश प्रोडक्शन कैपेसिटीज को पूरी तरह यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतने ऑर्डर्स मिलने के बावजूद HAL की प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और उसे पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही बात डायनेमिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी ने भी कहा है कि उसके पास 2021 के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी ऑर्डर्स नहीं है, और वो चाहती है कि उसे दिए जाने वाले आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, अस्त्रा ए टू एयर मिसाइल, मिलान 2, टी कॉन्कुर एम, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे ऑर्डर्स उन्हें जल्दी से जल्दी दिए जाएँ। इंडियन आर्मी के लिए जो आकाश रेजिमेंट्स बनाई जानी हैं उनकी कीमत ही 9,133 करोड़ रुपए हैं। मेजागॉन डॉक, जो कि इंडिया का एक शिप बिल्डिंग डॉक है, उसका भी कहना है कि उसका सबमरीन बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर 6 फ्रेंच ओरिजिन स्कॉर्पियन सबमरीन बनाने के बाद खाली हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 2022 के बाद कोई भी नया ऑर्डर नहीं है। मेजागॉन डॉक लिमिटेड का कहना है कि वो अभी भी 4 मेजर वॉरशिप्स और 7 और सबमरीन्स का ऑर्डर लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मौजूद सबमरीन रीफिट फैसिलिटीज भी रशियन ओरिजिन INS सिंधु वीर सबमरीन की रीफिटिंग के बाद अब खाली पड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड चाहता है कि उसे इंडियन नेवी में मौजूद सभी रशियन ओरिजिन वॉरशिप्स और सबमरीन्स को रीफिट और अपग्रेड करने का काम मिले, लेकिन इंडियन नेवी अपनी सभी किलो क्लास सबमरीन्स को रीफिट के लिए रशिया भेज रही है। और वहीं गोवा शिपयार्ड को भी प्रोजेक्ट की फाइनलाइजेशन में डिले के कारण मार झेलनी पड़ी है। गोवा शिपयार्ड को मिलने वाला
12 माइन काउंटरमेजर वेसल बनाने का प्रोजेक्ट भी डिले हो गया है। ये प्रोजेक्ट 2005 में प्रपोज किया गया था। इस प्रोजेक्ट की तकरीबन कीमत 32,000 करोड़ रुपए है। इंडियन नेवी ने अब 12 माइन काउंटरमेजर वेसल्स बनाने के ऑर्डर को कम कर 8 माइन काउंटरमेजर वेसल्स बनाने का फैसला किया है और वहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने के ऑर्डर को भी होल्ड पर रख दिया है। ये 9,000 करोड़ का ऑर्डर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को मिलना था और इसके साथ ही GRSE शिपयार्ड का भी कहना है कि वो सिर्फ 15 वॉरशिप बना रही है जबकि वो एक ही टाइम पर 20 वॉरशिप्स बना सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।